तो पंजाब की धरती के उपर पैर रख के दिखावे उसके पैर हवा के उड़ा असी ना किसी अतवाद तो ना किसी अतवादी तो ना किसी खालिस्तानी तो पहला कदे डरे हाँ तो ना हम अगे तो कदे डरांगे इन्हों इट का जवाब पत्थर के नाल मूँह तोड़ दें तरह 10 अगस्त शिवसेना वालों आतंकवाद को जवाब देने के लिए अमर शहीद श्री अरुण धर बैत्या जनरल जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए पंजाब की अमन शांति कायम रखने लिए पंजाब के आतंकवाद का सफाया करने के लिए अपनी जान कुर्बान की उन्होंने 10 अगस्त को पुणे के सुख और जिंदा ने गोलियां मार के शहीद कर दिता सी। हर साल उन्होंने असी इसी तरह श्रद्धांजलि दें। अज एक चुनावी मंच है कि विदेश के बैठा गुरबंत सिंह पन्नू खालिस्तानी जो सिख और जस्टिस का अपने आप को सलाहकार कहता है उसने हिमाचल के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रधान कई लोगों को धमकी दी है कि वह तिरंगा ना फहरा जबकि तिरंगा साडे देश की आन बान ते शान है उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असी गुरबंत पन्नू को सीधी चेतावनी दें कि वह अपने प्यो का असल जिम्मेवार रहा है उन्हें अपनी मां का दुख पीता है तो पंजाब की धरती के उपर पैर रख के दिखावे उसके पैर हवा के उड़ा दिते जाएंगे क्योंकि पंजाब कदे भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। और जो कल अमृतसर के टिफन बंब ISI द्वारा सुटिया गया तो बरामद होया उस तो लग रहा कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पर शिवसेना हमेशा ही आतंकवाद का मुकाबला करती आई है तो आतंकवाद का मुकाबला हमेशा करती रहूगी। कहिंदा असी ना किसी अतवाद तो ना किसी अतवादी तो ना किसी खालिस्तानी तो पहला कदे डरे हाँ तो ना हम अगे तो कदे डरांगे इन्हों इट का जवाब पत्थर के नाल मूँह तोड़ दें। अज इतने असी अमर शहीद श्री अरुण धर बैद्या जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उस तो बाद गुरबंत पन्नू का पुतला साड़ के खालिस्तानी आतंकवाद को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए पंजाब की अमन शांति ना खराब करें।